व्हाट्स अप व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है जो कि होम्स के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को होम्स के बारे में, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे नए डीजे भाई लोग और या तो साउंड सिस्टम के भाई लोग को काफ़ी सारी परेशानी आती है ये होम्स मैचिंग के दौरान, और स्पीकर्स काफ़ी के जल जाता है या एम्पलीफायर में प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है, एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है या तो वो उसको ओवर हीटिंग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा होम्स के रिगार्डिंग, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा होम्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप ये शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोग को सबसे पहले देखने को मौका मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोग को पता चल चुका है कि ओम्स है, क्या है ओम्स, और ये स्पीकर का इम्पीडेंस कैसा कैलकुलेट करते हैं, ओम्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ओम मैचिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर डीजे और या तो साउंड सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर स्पीकर्स का इम्पीडेंस जो होता है 8 ओम्स। तो मान लीजिए दोस्तों, कोई भी एक स्पीकर लेते हैं जिसका इम्पीडेंस मान लीजिए 8 ओम्स है, ज़्यादातर 8 ओम्स में इम्पीडेंस आता है। तो दोस्तों, वैसे ही दो स्पीकर को हम लोग उसको पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं तो वो उसका इम्पीडेंस जो है घटता है। कैसे घटता है वो मैं थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे क्यों घटता है ये इम्पीडेंस, किस वजह से घटता है। और साथ ही में अगर उसी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इम्पीडेंस डबल हो जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए एक स्पीकर है जिसका 500 वाट का आउटपुट है, जिसका RMS 500 वाट है, और साथ में उसके इम्पीडेंस जो है 8 ओम्स है। तो दोस्तों, वो 8 ओम्स वाले दो स्पीकर को अगर हम लोग पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं, यानी कि प्लस को प्लस के साथ में और माइनस को माइनस के साथ में कनेक्ट करके आपस में जोड़ के हम लोग एम्पलीफायर के साथ में उसको इनपुट दे देते हैं, तो उसका इम्पीडेंस जो है 8 ओम्स जो था वो 4 ओम्स हो जाता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 होता है अगर 2 स्पीकर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अगर उसी में 4 स्पीकर हम लोग 8 ओम्स इम्पीडेंस के 4 स्पीकर हम लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसका इम्पीडेंस जो होता है डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2 ओम्स हो जाता है। तो उसी हिसाब से दोस्तों, हमारे 2 स्पीकर्स का इम्पीडेंस हो गया 8 ओम्स का 4 ओम्स, और 4 स्पीकर्स का इम्पीडेंस हो गए 2 ओम्स, यानी कि पैरेलल वे में हम लोग जब कनेक्ट करते हैं उसका इम्पीडेंस घटता है, और सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसका इम्पीडेंस बढ़ता है। कैसे? तो मान लीजिए ये एक जैसे कि ये एक स्पीकर 15 इंच का, मेरे पास एक 15 इंच का स्पीकर से उसका जो है वॉइस कॉइल है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये जो है एक मान लीजिए ये पॉजिटिव वाले तार है और ये जो है नेगेटिव वाले तार, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। तो दूसरी कंसेप्ट भी ये है कि जो 8 ओम्स इम्पीडेंस जितने भी स्पीकर से उसका वॉइस कॉइल थोड़ा पतली होती है उसकी, और जो 4 ओम्स के रिगार्डिंग, यानी कि 4 ओम्स का इम्पीडेंस, 4 ओम्स वाले इम्पीडेंस जितने भी स्पीकर्स के वॉइस कॉइल होते हैं उसका जो कॉइल का जो थिकनेस होता है वो थोड़ा मोटा होता है 8 ओम्स के मुकाबले। 4 ओम्स वाले जितने भी स्पीकर्स होते हैं उसके वॉइस कॉइल का थिकनेस जो होता है थोड़ा मोटा होता है। क्यों होता है मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो प्लस को प्लस के साथ में, माइनस को माइनस के साथ में हम लोग जैसे कनेक्ट करते हैं तो वो हो गया पैरेलल कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ओम्स घट रहा है। तो कैसे घटता है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि ये जो है कोई भी स्पीकर का वॉइस कॉइल है जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, ये होता है वॉइस कॉइल। मान लेते हैं जैसे कि ऐसे बैठता है तो ये भी एक वॉइस कॉइल मान लेते हैं। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो इसको हम लोग खोल देते हैं, थोड़ा लंबाई जिसका जितना है उतना ही रख देते हैं और इसको खोल देते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरे स्पीकर जिसका इम्पीडेंस सेम है, यानी कि 8 ओम सी है, उसका ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो इसको हम लोग पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं। तो घटता कैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पैरेलल वे यानी कि
पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव, ऐसे करके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका लंबाई तो सेम रहने वाला है और यहाँ पर हो गए पॉजिटिव, यहाँ पर हो गए नेगेटिव, तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। दो स्पीकर आपस में कनेक्ट करने के बाद में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे एम्पलीफायर के साथ में, जो कि प्लस वाले तार जाएगी एम्पलीफायर के रेड वाले इनपुट सेक्शन में, और जो कि माइनस वाले जाएंगे कॉमन यानी कि ब्लैक वाले इनपुट सेक्शन में। तो ये हो गया इसका इम्पीडियंस 4 ohms। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए पैरेलल वे में, जिसका अर्थ थिकनेस जो है बड़ा हो गया, मोटा हो गया, जो कि 8 ohms ये था, थोड़ा थिकनेस पतला है और इसको भी जोड़ दिए यानी कि मोटा हो गया। तो दोस्तों इसी वजह से हम लोग का पैरेलल वे में दो स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो उसका इम्पीडेंस घटता है, यानी कि ये हो गया सेम, देखिए गोलाई सेम हो गया, थिकनेस बढ़ गया यानी कि इम्पीडेंस घट गया है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हमारा पैरेलल वे में जैसे ही हम लोग स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो थिकनेस घटता है और हमारा सॉरी थिकनेस बढ़ता है और ओम्स घटता है। ठीक है, तो अगर इसी को ये स्पीकर को हम लोग सीरीज मोड में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सीरीज मोड मतलब इसका एक स्पीकर का पॉजिटिव और दूसरा एक स्पीकर का नेगेटिव, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इसका इम्पीडेंस जो है डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका गोलाई यानी कि राउंड जो होता है डायमीटर भी बढ़ गया है और साथ में थिकनेस जो है वो पतली हो गई यानी कि डबल हो गई है। ठीक है, लंबाई बढ़ गया है, जैसे कि लंबाई बढ़ गया है और ये थिकनेस घट गया है दोस्तों, तो इसका इम्पीडेंस जो है डबल हो गया यानी कि 8 और 8 यानी कि 16 ohms हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी स्पीकर्स का वॉइस कोयल का जो होता है इम्पीडेंस जो 8 ohms होता है नॉर्मली, उसको अगर हम लोग पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं तो उसको इम्पीडेंस घटता है, उसका इम्पीडेंस घटता है यानी कि 4 ohms होता है। दो अगर स्पीकर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यानी कि 4 स्पीकर को कनेक्ट कर रहे हैं तो 2 ohms में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी तरीके से अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं दो स्पीकर को तो उसका 16 ohm हो जाता है। तो दोस्तों अगर एम्पलीफायर में उसी हिसाब से हम लोग मैच करके कनेक्ट करते हैं तो हमारा कभी भी स्पीकर जलता भी नहीं है और साथ में एम्पलीफायर भी ओवरहीट यानी कि प्रोटेक्ट मोड में नहीं जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ओम से रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ में, डीजे वाले भाई, साउंड सिस्टम वाले भाई के साथ में शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट करना ना भूले कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, कि आपका भी ये क्वेश्चन था। वैसे तो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर है, हमारे यूट्यूब चैनल शायद देख रहे होंगे, वो लोग को ऑलरेडी पहले से पता था होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।